हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिना लहसुन प्याज के बैंगन के भरते की रेसिपी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देख लेते हैं बिना लहसुन प्याज के बैंगन के भरते की रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिना लहसुन प्याज वाला बैंगन का भरता। और इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये बड़े वाला गोल वाला जो बैंगन होता है वो ले लिया है। सबसे पहले जो इसका छिलका है हम हटा देंगे, तो इस तरीके से एक पिलर की हेल्प से हम इसका छिलका हटा देंगे। यहाँ पर मैंने इसका छिलका हटा दिया है, उसके बाद इसे हम कट कर लेंगे और यहाँ से भी कट करेंगे। ये जो थोड़े थोड़े इसमें ये छिलके रह गए इसे भी हम हटा देंगे इस तरीके से। उसके बाद इसे हम कट करेंगे। तो इसे मैं चार पीसेस में कट कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर ये बैंगन मैंने कट कर लिए हैं। तो इस तरीके से हम बैंगन ले लेंगे। तो आप यहाँ पर बैंगन की क्वांटिटी आप अपनी ज़रूरत के अनुसार रख सकते हैं। और अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। और अब हम बैंगन को बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के लिए मैंने एक बर्तन में काफ़ी सारा पानी ले लिया है और ये जो हमने बैंगन कट किए हैं वो इस पानी में डाल देंगे। चाहे तो आप बैंगन को प्रेशर कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं एक सीटी आने तक। मैं इसे इसी बर्तन में बॉईल करने वाली हूँ। उसके बाद इसे कवर कर देंगे और 6 से 7 मिनट इसे हमें बॉईल करना है गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए। तो सबसे पहले इसे बॉईल करके तैयार कर लेते हैं। बॉईल करने से बैंगन हमारे गल जाएंगे और हमें जो बैंगन का भरता बनाना है वो बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे बैंगन बॉईल हो चुके हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं। दबाकर हम देख लेंगे बैंगन अच्छे से दब रहे हैं कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर अच्छे से कट जा रहे हैं, बैंगन बॉईल हो चुके हैं। अगर ये बैंगन अच्छे से नहीं कटते और नहीं और ठीक से बॉईल होते तो आप इसे थोड़ा सा और बॉईल कर सकते हैं। तो इसे निकाल लेते हैं किसी भी स्ट्रेनर की हेल्प से, जैसे कि पानी और बैंगन हम अलग कर सकें। तो ये मैंने निकाल लिया है बैंगन को और अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो ये देखिए इस तरीके से हम बैंगन तैयार करने हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है और इसमें डाल लेते हैं 4 टेबलस्पून के करीब तेल। और यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा। जीरे के साथ यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक। इस टाइम पे गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और साथ में डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं यहाँ पर ये। लो फ्लेम पे ही हमें सभी चीजों को भून लेना है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ सूखे मसाले। सूखे मसालों में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी का पाउडर। तो ये मैंने हल्दी का पाउडर डाल दिया है। इसमें डाल देंगे धनिया का पाउडर, तो 1 बड़ा चम्मच धनिया का पाउडर डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। साथ में डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। सभी मसालों को मैंने अच्छे से मिला लिया है और मिलाने के तुरंत बाद ही इसमें डालेंगे टमाटर। तो 3 मीडियम साइज के यहाँ पर मैंने ये टमाटर लिए थे और ये इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। नमक इसलिए डाल रहे हैं ताकि टमाटर हमारे जल्दी से गल जाए। मैंने ये नमक डाल दिया है और मिला देंगे। ये मैंने मिला दिया है और यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी और इसे मिला लेंगे। और जब तक इसे ढक के पकाएंगे तब तक ये हमारे टमाटर गल नहीं जाते, तो मैं इसे ढक देती हूँ टमाटर के गलने तक इसे पका लेंगे। और यहाँ पर टमाटर को मैंने अच्छे से गला लिया है, ये देखिए। उसके बाद इसमें डाल देंगे बैंगन जो हमने बॉईल करके रखे हुए हैं। यहाँ पर मैं ये बैंगन डाल देती हूँ। और उसके बाद इसे मिला देंगे।
और मिलाने के साथ साथ इसे मैश करते जाएंगे। तो मैशर की हेल्प से इसे मैश कर लेंगे। इन बैंगन को अगर आप प्रेशर कुकर में बॉईल करते हैं तो ये और भी अच्छे बनते हैं। तो मैं इसे एक मैशर की हेल्प से मैश कर लेती हूँ। पहले इस तरीके से हल्के हाथों से इसे मैश कर लेंगे। मैशर की हेल्प से मैंने बैंगन को मैश कर लिया है। उसके बाद हम इसे 3 से 4 मिनट फुल फ्लेम पे भून लेना है। साथ में यहाँ पर डाल देंगे गरम मसाला, तो आधा चम्मच के करीब यहाँ पर डाल लेते हैं गरम मसाला। ये मैं इसमें गरम मसाला डाल देती हूँ, मिला देंगे। और यहाँ पर हमारा ये बैंगन का भरता थोड़ा ड्राई हो गया है, इसमें जो पानी था वो थोड़ा बहुत सूख गया है। ये देखिए बैंगन के भरते ने कढ़ाई छोड़ दी है। इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि ये भरता हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। गैस मैंने बंद कर दी है। साथ में डाल देंगे हरा धनिया और डालने के बाद इसे मिला देंगे। और ये हमारा बहुत ही टेस्टी सा बैंगन का भरता तैयार हो चुका है, तो इसे कर लेते हैं सर्व। लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये बिना लहसुन प्याज वाला बैंगन का भरता बनके तैयार है। तो इस तरीके से बैंगन का भरता जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपके बैंगन में कम बीज है तो इसे किसी बर्तन में इसे बॉईल कर सकते हैं, लेकिन अगर बैंगन में ज़्यादा बीज है तो इसे प्रेशर कुकर में 2 सीटी आने तक बॉईल करें, उसके बाद इसका भरता बनाएं, तभी ये भरता बहुत ही टेस्टी बनेगा। क्योंकि ज़्यादा बॉईल होने से ही बैंगन जो है अच्छे से मैश हो जाएंगे, और जिससे कि हमारा ये बैंगन का भरता बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इस तरीके से जरूर ट्राई करें। रोटी पराठे किसी के साथ भी खाएंगे, सभी के साथ ही बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। एक बार जरूर ट्राई करें और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे साथ कमेंट करके शेयर करें कि बैंगन के भरते की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।